हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम हेयर फॉर द जनरल डिस्कशन विद यू। तो आज मैं स्टूडेंट्स के साथ जनरल डिस्कशन करना चाहूंगा एंड आई विल रिव्यू द टॉपिक। सबसे पहले मैं रिव्यू करूंगा जो टॉपिक मैंने अपने चैनल में कवर किए एंड जो हमारे स्टूडेंट्स वहां से इम्पॉर्टेंट चैनल की नॉलेज ले सकते हैं, कौन से टॉपिक के बारे में हमारा टोटल डिस्कशन रहा, दैट विल बी माई जनरल डिस्कशन विद स्टूडेंट्स। तो आज मैं स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, दैट इज ए जनरल डिस्कशन की हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन। तो यहाँ सबसे पहले मैं करना चाहता हूँ रिव्यू ऑफ टॉपिक्स कवर्ड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन कौन से टॉपिक डिटेल्ड में हमने कवर किए हैं, दैट इज कवर्ड इन माई चैनल, जो मैंने अपने चैनल में कवर किए। नंबर वन है कंसाइनमेंट अकाउंट्स। तो अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस में जाएं तो वहां पे कंसाइनमेंट अकाउंट इज वेरी डोमिनेंट चैप्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब कंसाइनमेंट अकाउंट में इन माय चैनल मैंने क्या क्या कवर किया हुआ है, वहां पे हमारे कॉस्ट प्राइस के सम होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे और हमारा इनवॉइस प्राइस भी हमारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमें कंसाइनमेंट अकाउंट के बारे में हमें स्टडी करनी है, नॉलेज लेनी है या हमें न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने हैं, तो हम कॉस्ट प्राइस के न्यूमेरिकल भी ले सकते हैं, इनवॉइस प्राइस के न्यूमेरिकल भी हमें सॉल्व करने हैं। एंड हाउ टू कैलकुलेट इनवॉइस प्राइस, दैट इज स्पेशली गिवन इन माई लेक्चर। तो ये मैंने अपने चैनल में एक स्पेशल वीडियो भी प्रिपेयर की है जहां पे हम इनवॉइस प्राइस कैसे प्रिपेयर करते हैं एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो यहाँ पे हम करना चाहेंगे इनवॉइस प्राइस की कैलकुलेशन। फिर मैंने एक लेक्चर बनाया, दैट इज वीडियो कवर रिलेटेड टू कमीशन प्रॉब्लम्स। तो जब हमारे कंसाइनी ने कोई स्पेशल कमीशन रिसीव करना होगा कंसाइनर से रिगार्डिंग एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज, जहां पे हमारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, वो भी हमने एक स्पेशल लेक्चर यहाँ पे कवर किया है, दैट इज कमीशन प्रॉब्लम। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आई हैव कवर्ड इन माई लेक्चर्स इन माई वीडियोस, दैट विल बी नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस साइमल्टेनियसली। तो जब हमारी प्रॉब्लम में नॉर्मल लॉस भी होता है और एबनॉर्मल लॉस दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, देन हाउ टू डील दैट प्रॉब्लम, तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे कवर करेंगे। तो ये जो मेरे चैनल में ऑल द टॉपिक्स आर कवर्ड इन कंसाइनमेंट अकाउंट, तो हमारे स्टूडेंट कंसाइनमेंट अकाउंट के टॉपिक में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में वहां पे अगर कंसाइनमेंट अकाउंट ओपन किया जाएगा, देयर शैल बी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, इनवॉइस प्राइस की प्रॉब्लम होगी, कमीशन की होगी और वेरियस प्रॉब्लम सॉल्व, जो हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी जिनमें एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट होगा और हमारा नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस भी हमने अपनी वीडियोस में कवर किया हुआ है। तो ये मैं रिव्यू कर रहा हूँ। नंबर वन, मैंने अपना जो मेरा स्ट्रेस होगा वो होगा कंसाइनमेंट अकाउंट, ये हमारी कवरेज है इन कंसाइनमेंट अकाउंट इन माई चैनल। नंबर सेकंड में आ रहा हूँ ज्वाइंट वेंचर। तो ज्वाइंट वेंचर की नॉलेज हमारे स्टूडेंट्स को प्रॉपर मिले, उसके लिए मैंने सेपरेट सेट ऑफ बुक्स के वेरियस न्यूमेरिकल्स, कई न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल हमारा वैसे होता है कंट्रैक्ट प्राइस, तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में जैसे हमारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा वहां पे हम ज्वाइंट बैंक अकाउंट भी ओपन करते हैं। तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स के न्यूमेरिकल भी हैं एंड नॉट सेपरेट सेट ऑफ बुक्स के भी हमारे न्यूमेरिकल हैं। तो यहाँ पे नंबर वन है कंट्रैक्ट प्राइस। तो सबसे पहले मेरा जो लेक्चर होगा वो होगा कंट्रैक्ट प्राइस, जहां पे हमारा एबनॉर्मल लॉस भी हो रहा है, जहां पे हमें इंश्योरेंस क्लेम ही मिला इन ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में और जहां पे हमारा कंट्रैक्ट प्राइस भी है। कंट्रैक्ट प्राइस में भी रिलेटेड टू बिल्डिंग, चाहे वो बिल्डिंग का हो सकता है, चाहे वो फ्लाईओवर का हो सकता है, चाहे वो मूवी मेकिंग का भी कंट्रैक्ट प्राइस हो सकता है। तो हमें एक तो कंट्रैक्ट प्राइस के बारे में क्लियर करना है एंड दीज विल बी कवर्ड इन माई वीडियोज। उसके बाद अंडर राइटिंग,
अंडरराइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है हमारे ज्वाइंट वेंचर के लिए, तो इसके लिए एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि ज्वाइंट वेंचर का अंडरराइटिंग एग्जामिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और वो हमारा इंपॉर्टेंट सम हो सकता है इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो हमें अंडरराइटिंग भी प्रिपेयर करना चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अंडरराइटिंग के टू पार्ट्स मैंने कवर किए, एक होगा कंप्लीट अंडरराइटिंग, एक होगा पार्शियल अंडरराइटिंग। तो हमारे स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस में, मेरे चैनल में, अगर वो अपना प्ले लिस्ट में जाते हैं, वहां पे अपना ज्वाइंट वेंचर को ओपन करते हैं, वहां पर उनको वैरायटी ऑफ अंडरराइटिंग अवेलेबल होगी, चाहे वो कंप्लीट अंडरराइटिंग हो चाहे वो पार्शियल अंडरराइटिंग होगी। नंबर थर्ड होगा इंटरेस्ट प्रॉब्लम, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है ज्वाइंट वेंचर में। तो हमने ज्वाइंट वेंचर में इंटरेस्ट प्रॉब्लम को भी कवर किया, जहाँ पे हमें हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट वो हमें पता होना चाहिए, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पे दोनों को वेंचरर अपनी मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं और सेल को रिटेन कर रहे हैं, एंड हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम देम एंड पेएबल टू देम। जैसे हम कैसे इंटरेस्ट को पेएबल करेंगे या रिसीव करेंगे, ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी कवर्ड इन द ज्वाइंट वेंचर। तो ये मेरा सेकंड रिव्यू होगा ज्वाइंट वेंचर में, जो हमने कंप्लीट प्रॉब्लम, जो हमारे स्टूडेंट्स को जहां भी डाउट हो सकता है उसकी सॉल्व करने के लिए, उसको मिटाने के लिए, उसको हटाने के लिए, क्लैरिटी के लिए, आई हैव गिवन वेरियस प्रॉब्लम इन द ज्वाइंट वेंचर। नंबर थर्ड बेसिक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है ब्रांच अकाउंट, और ब्रांच अकाउंट्स की कैटेगरी बड़ी चार या पांच कैटेगरी में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन होता है कॉस्ट प्राइस, जहाँ पे हमने सिंपली जर्नल एंट्रीज की होंगी, गुड सेंड टू ब्रांच, जहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस पे होगा, और हमारी डिपेंडेंट ब्रांच के सम होंगे। तो जो भी हमारी ये फोर काइंड्स मैंने यहाँ पे नोट की हैं, दीज आर ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेस। डिपेंडेंट का मतलब ये होगा जहाँ पे हेड ऑफिस गुड सप्लाई करता है और ब्रांच को सेल करना होता है, एंड ब्रांच ने अपनी कोई भी अपनी इंडिपेंडेंट परचेज नहीं करनी और कोई भी उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होंगे, वहां पे हम कहते हैं डिपेंडेंट। तो नंबर वन होगा कॉस्ट प्राइस, इनवाइस प्राइस, जैसे हमारा कंसाइनमेंट का इनवाइस प्राइस है, ये भी हमारी कैलकुलेशन होती है। जैसे हम कहते हैं अगर सीपी पे हमारी परसेंटेज लाइक दिस है और आईपी पे हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग सेम होगी जैसे हमारे कंसाइनमेंट की है, सेम हमारे ब्रांच की नॉलेज होगी अबाउट इनवाइस प्राइस। एक हमारा थर्ड टॉपिक है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, ये मेरे चैनल में प्रोवाइडेड है, इसको हमने पहले जर्नल एंट्रीज में मैंने प्रोवाइड किया, डिफरेंट जर्नल एंट्रीज, बेसिक जर्नल एंट्रीज क्या हो सकती हैं उसके बारे में क्लियर हमारा एक स्पेशल लेक्चर होगा स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में। फिर हमने प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया इन स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। उसके बाद नंबर फोर हमारे पास है होल सेल प्राइस सिस्टम। अब होलसेल में स्पेशल हम अकाउंट बनाते हैं, वहां पे थ्री प्राइसेस अवेलेबल है, जैसे हम कहते हैं हेड ऑफिस के लिए कॉस्ट प्राइस होता है, ब्रांच के लिए होलसेल प्राइस होगा और हमारे कस्टमर के लिए रिटेल प्राइस होता है। तो ये हमारा होलसेल प्राइस सिस्टम भी अवेलेबल है, एंड आई हैव प्रोवाइडेड टू और थ्री वीडियोस फॉर डिफरेंट न्यूमेरिकल्स इन होलसेल प्राइस सिस्टम। अगर किसी को क्लियर ना हो तो यू कैन गो टू प्लेलिस्ट एंड सेलेक्ट द ब्रांच अकाउंट, वहां पे आपको टॉपिक मिलेगा होलसेल प्राइस सिस्टम, वहां पे हम टू और थ्री लेक्चर वहां पे प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे हमें होलसेल प्राइस सिस्टम में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देन ऑल्सो आई हैव गिवन इंडिपेंडेंट ब्रांचेस जर्नल एंट्री, तो मेन हमारा जर्नल एंट्रीज ही अवेलेबल होती है एग्जामिनेशन में, यही आती है हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो होते हैं डिपेंडेंट के। तो हमने इंट्रोडक्शन भी दी है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस की जर्नल एंट्रीज, तो ये भी मेरी वीडियो से आप कवर कर सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ब्रांचेस डिपेंडेंट एज वेल एज इंडिपेंडेंट ब्रांचेस जर्नल एंट्रीज। तो ये हमारा थर्ड रिव्यू है
जो मैंने अपने चैनल में इसको बड़े बेटर ढंग से प्रोवाइड किया, बेस्ट ढंग से प्रोवाइड किया हुआ है, एंड यू कैन गो थ्रू द न्यूमेरिकल। नंबर फोर हमारे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। अब डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में हमारी जो प्रॉब्लम जो एग्जामिनेशन में आती है, दैट इज इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। इसका जो पहला पार्ट होता है वो होता है अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। वो बड़ा सिंपल होता है कि हमारी अपोर्शनमेंट होगी, अगर मुझे रेंट गिवन है तो मुझे स्पेस के हिसाब से एलोकेट करना होगा, तो अगर मुझे वेलफेयर एक्सपेंसेस गिवन है तो मुझे नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से उनकी अपोर्शनमेंट करनी है टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। तो यहाँ पे मैंने बड़े वीडियोस, बड़े लेक्चर यहाँ पे सप्लाई किए, बड़े पोस्ट किए, तो वहां पे होगा फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। तो जहाँ पे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स सेंड करता है, सेल करता है, वहां पे उसके अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हम कैसे कंसोलिडेटेड अकाउंट में कैलकुलेट करेंगे। तो ये एग्जाम्पल हमारा होगा क्लॉथ टू रेडीमेड डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट सम आता है क्लॉथ टू रेडीमेड डिपार्टमेंट, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे लेक्चर्स में अवेलेबल होगा। एक होगा इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर म्यूचुअल। जब हमने ए ने बी को सप्लाई किया और बी ने ए को सप्लाई किया, तो उनका ग्रॉस प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट का प्रॉफिट हमारा सेलर का कैलकुलेट होगा। लेकिन जो हम लोडिंग या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे वो परचेजर के ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक से हम कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेलर का देखा जाता है, लेकिन जो लोडिंग कैलकुलेट होती है वो हमारे परचेजर डिपार्टमेंट के ओपनिंग स्टॉक में रिफ्लेक्शन होगा या क्लोजिंग स्टॉक में रिफ्लेक्शन होगा। तो ये हमारा इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पे हमें डिपार्टमेंटल अकाउंट्स को क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। नंबर पांचवा, ये मेरा फोर्थ रिव्यू है डिपार्टमेंटल का। नंबर फिफ्थ होगा वोएज अकाउंट। अब वोएज अकाउंट हमारे कंप्लीट भी हो सकते हैं और इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं। अगर कंप्लीट होते हैं तो उनकी इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंडिचर को डेबिट करते हैं, डिफरेंस विल बी प्रॉफिट और लॉस। अब यहाँ पे हमारा होता है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मीन्स वोएज इन प्रोग्रेस। तो इसको मैंने ज्यादा स्ट्रेस किया अपनी वीडियोज में। इनकम्प्लीट में हम लेते हैं डिफरेंट पॉइंट्स। तो मैंने एक स्पेशल वीडियो डाली हाउ टू प्रिपेयर वोएज इन प्रोग्रेस, हाउ टू कैलकुलेट वोएज इन प्रोग्रेस इन डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन में हम वोएज इन प्रोग्रेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमारा 1/2 होगा, 1/3 होगा, 1/5 होगा, और स्टेबेडोरी को कैसे सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, एड्रेस कमीशन को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, पोर्ट ड्यूज को कैसे डिफरेंटली हम वोएज इन प्रोग्रेस में कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड इस चैनल में, मेरे प्रेस्टीजियस प्रेशियस चैनल में आप ये देख सकते हो कि दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर कवर अबाउट न्यूमेरिकल्स फॉर वोएज अकाउंट। यहाँ पे वोएज इन प्रोग्रेस की कैलकुलेशन होगी। एंड हमारे स्टूडेंट अगर ये चैनल को चेक करते हैं, अगर वीडियोस को वॉच करते हैं क्लियरली, दे कैन गो थ्रू द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द वोएज अकाउंट, चाहे वो कंप्लीट की हो। कंप्लीट इज वेरी सिंपल, मेनली स्ट्रेस हमारा रहता है वहां पे इनकम्प्लीट का, कैसे हम वोएज इन प्रोग्रेस को कैलकुलेट करेंगे। नंबर सिक्स पॉइंट जो मैंने लिया, ये मेरा पांचवा रिव्यू था। नंबर सिक्स होगा फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स में हमें क्या करना है, डिफरेंट एडजस्टमेंट्स की प्रेपरेशन करनी है। एडजस्टमेंट्स का एवरी एडजस्टमेंट हैज गॉट डबल इफेक्ट। तो स्पेशली हमें बैड डेट्स का ट्रीटमेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए रिगार्डिंग बैड डेट्स। कैसे हमें फर्दर बैड डेट कैलकुलेट करनी है,
कैसा न्यू प्रोविजन बनाना है, ओल्ड को कैसे माइनस करना है, हाउ इट ओल्ड शैल बी रिकॉग्नाइज, हम ओल्ड को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, न्यू को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो बैड डेट्स के ट्रीटमेंट हमारे फाइनल अकाउंट्स जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है हमारे एग्जाम के लिए, तो इसकी हमें एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट भी हमें प्रोवाइड करना है। तो ये मेरे 6 रिव्यूज हैं। तो एक मैंने रॉयल्टी अकाउंट भी डाला, लेकिन रॉयल्टी अकाउंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम सम यूनिवर्सिटीज, कुछ के लिए इम्पॉर्टेंट है कुछ नहीं है। तो अगर ये पॉइंट हम लें 6 चैप्टर के बारे में, तो दैट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट, दे कैन गो टू प्लेलिस्ट एंड दे कैन सेलेक्ट द देयर डिजायर्ड टॉपिक एंड दे कैन वॉच, दे कैन क्लियरली गो थ्रू द नॉलेज ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो भी वो चाहते हैं उसकी नॉलेज वो गेन कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स आर गिवन, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आर गिवन, जर्नल एंट्रीज आर गिवन। इफ अगर हमने डायरेक्ट अकाउंट बनाया तभी हमने जर्नल एंट्री के बारे में डिस्कस करके डायरेक्ट अकाउंट बनाए हैं। तो ये होगा अबाउट न्यूमेरिकल्स, इसका मैंने रिव्यू किया। अब मैं डिस्कशन में आ रहा थोड़ा आपसे, तो यहाँ इसके बारे में बात है, अगर मान लो हमने न्यूमेरिकल प्रिपेयर किए बट इन एग्जाम देयर अपीयर्स थ्योरेटिकल प्रॉब्लम, जैसा कि हम देखते हैं आजकल ट्रेंड होता है कि एग्जामिनर ज्यादा थ्योरेटिकल प्रॉब्लम पुट कर देता है। हमने बनाई है न्यूमेरिकल, हमने अच्छी तरह प्रिपेयर किए, हमने वीडियो से बना लिया, हमने नॉलेज गेन कर ली, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, लेकिन हमें मिलती है थ्योरेटिकल प्रॉब्लम। तो अगर मैं ये भी पॉइंट लेना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, अगर मान लो मैंने ज्वाइंट वेंचर प्रिपेयर किया, ब्रांच अकाउंट हमने बढ़िया ढंग से प्रिपेयर किया, न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर दी, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन में माय एग्जांपल इज दैट कि हमें आता है हाउ ब्रांच अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, हाउ डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, दिस मच इज रिटन, तो ये हमारे 10 मार्क्स का होगा या 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो जब भी हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थ्योरेटिकल शेप में आता है, तो इसका पहला पॉइंट ये रहेगा, सबसे पहले जैसे मैं अगर ब्रांच अकाउंट का एग्जांपल लूं, तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देनी पड़ेगी, ब्रांच क्या होती है और हमारा हेड ऑफिस कौन होता है, हेड ऑफिस हमारा प्रिंसिपल होता है जो गुड सप्लाई करता है ब्रांच को, तो वी हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन अबाउट ब्रांच एंड हेड ऑफिस। ये मेरा एग्जांपल है, सबसे पहले जिस टॉपिक का हमें थ्योरेटिकल प्रॉब्लम मिलती है तो उसके बारे में हमें इंट्रोडक्शन देनी है। सबसे पहले हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे अपने एग्जामिनर को, उसके बाद हमें देनी होगी डिफरेंट जर्नल एंट्रीज, उसके बाद ब्रांच अकाउंट के बारे में हमें स्टेप्स पता है। नंबर वन होती है गुड्स सेंट टू ब्रांच, हमने हेडिंग लिखता है, देन गुड्स आर सेंट टू ब्रांच, उसके बाद हमने जर्नल एंट्री दी, उसके बाद हेड ऑफिस ने जो एक्सपेंस इनकर किए वो हमने ऊपर लिखा उसकी जर्नल एंट्री की। तो हमें टोटल जितनी मैक्सिमम अगर हमें न्यूमेरिकल क्लियर होगा तो वी कैन प्रिपेयर इजिली जर्नल एंट्रीज, हम जर्नल एंट्री वहां पे शो कर सकते हैं इन द एग्जामिनेशन। तो जब भी हमें थ्योरेटिकल शेप में मिले, जैसे मुझे मिला ज्वाइंट वेंचर, तो ज्वाइंट वेंचर की इंट्रोडक्शन सबसे पहला काम होगा, इंट्रोडक्शन देंगे कि हमारे को वेंचरर होते हैं, मोर देन वन को वेंचरर शुड बी देयर, तो 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, वो बिजनेस करें उनमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है, इट इज समवट लाइक पार्टनरशिप होता है। तो यहाँ पे हम कोई डीड देते हैं, कोई हमने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, मूवी मेकिंग का होगा, अंडरराइटिंग का होगा, देन वी हैव टू गिव द जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू ज्वाइंट वेंचर, जो भी टॉपिक आएगा उसकी पहले इंट्रोडक्शन दो, उसकी फिर जर्नल एंट्रीज करें। तो जर्नल एंट्रीज को कि हमें न्यूमेरिकल इज वेरी क्लियर, अगर न्यूमेरिकल क्लियर है तो वी कैन प्रेजेंट द टोटल जर्नल एंट्रीज, हम जर्नल एंट्री वहां पे बना सकते हैं और हमें वहां पे नरेशन भी प्रेजेंट कर सकते हैं, अगर प्रॉफिट होगा तो क्या जर्नल एंट्री होगी, अगर लास्ट में लॉस होगा तो क्या जर्नल एंट्री होगी, हमें कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे, अगर कंसाइनमेंट की हमारी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम आती है तो कंसाइनमेंट अकाउंट की जर्नल एंट्री क्या होती है, कंसाइनर कौन सा अकाउंट बनाता है, कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है, कंसाइनर कंसाइनिंग का भी अकाउंट बनाता है, तो ये सारी हमें डिस्क्रिप्शन देनी है।
तो अगर हमें डिपार्टमेंटल का आता है, कहीं हमारे सम में जनरल एंट्री नहीं बनेगी। अब डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में हमें सिंपली वहां पे अपने डिपार्टमेंट के बारे में बनाना है। अगर ए ने बी को ट्रांसफर किया तो ग्रॉस प्रॉफिट हम ए का कैलकुलेट करेंगे, लेकिन लोडिंग कहाँ पे कैलकुलेट होगी, वो बी के ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक से हमारी लोडिंग कैलकुलेट होगी। तो ये नॉलेज हम अपने एग्जामिनर को बाय रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं कि इस तरह से हमारे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाए जाते हैं अगर वो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो। सिमिलरली वॉयज की अगर थ्योरी आती है तो वॉयज की हमारी जो इनकम होती है उनको क्रेडिट करके हम शो करेंगे, परफॉर्मा बनाएंगे, उनके एक्सपेंडिचर जो हमें पता है सैलरीज वेजेस है ना, सैलरीज ऑफ क्रू, जो हम डेप्रिसिएशन ऑफ शिप, इंश्योरेंस शिप, जो भी एड्रेस कमीशन जो हम डेबिट करते हैं वो डेबिट करके उसको शो करेंगे। अगर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं बना सकते, सिर्फ हमें डिस्क्रिप्शन ही देनी होगी अपनी आइटम की, तो बाय प्राइमेज, बाय फ्रेट कमीशन, बाय पैसिव मनी जो इनकम है वो क्रेडिट करेंगे, डेबिट में हम शो करेंगे अगर कंप्लीट है। अगर मुझे वॉयज इन प्रोग्रेस बताना है तो उसका पॉइंट बता देंगे कि कुछ पोर्शन हमारा 1/5 हो जाता है, कई बार हम 1/3 हो जाते हैं, कई बार हम 1/2 हो जाते हैं। तो वॉयज इन प्रोग्रेस को भी क्लियरली वहां पे बाय थ्योरेटिकली हम शो कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर हमें थ्योरेटिकल शेप मिलती है दैट विल बी गुड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वो भी बड़ा स्कोरिंग होगा, दैट विल बी वेरी स्कोरिंग फॉर द स्टूडेंट, उसमें भी 10 out of 10 वी कैन गेन। ये ना सोचे कि अगर मुझे न्यूमेरिकल नहीं मिला इट मीन्स आई कैनॉट गेट 10 out of 10, मुझे पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है अगर थ्योरेटिकल मिलता है उसकी इंट्रोडक्शन थोड़ी दी जाए, उसमें जनरल एंट्रीज प्रोवाइड की जाए, क्योंकि हमें अब नॉलेज हम जनरल एंट्री बता सकते हैं, स्टेप्स को क्लियरली इन्फॉर्म कर सकते हैं, स्टेजेस बता सकते हैं, अकाउंट का थोड़ा परफॉर्मा बना सकते हैं। इन दिस वे वी कैन गेट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, चाहे वो हमें थ्योरी की शेप में भी मिले, दैट विल बी गिविंग अस बेस्ट मार्क्स, दैट विल बी गुड मार्क्स, जो हमें पूरे चाहिए 10 out of 10 या 9 out of 10 विल बी गारंटेड अगर हम थ्योरी को भी न्यूमेरिकल की शेप में बनाते हैं, जनरल एंट्रीज प्रोवाइड करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, पूरी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, एग्जामिनर को पूरा समझाते हैं, वी कैन गेट द कंप्लीट मार्क्स, टोटल मार्क्स इन केस ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो ये मेरा डिस्कशन था स्टूडेंट के साथ कि पहला हमने टॉपिक पहले स्टडी कर लेने हैं। अगर हमें थ्योरी भी मिलती है वी शुड नॉट बी डीमोरलाइज, हमें पूरी हिम्मत के साथ वहां पे इंट्रोडक्शन देनी है, जनरल एंट्रीज प्रोवाइड करनी है हर स्टेज की, अगर गुड सेंट होती हैं क्या होती हैं, अगर एक्सपेंसेस मेट होते हैं तो क्या होती है, क्लोजिंग स्टॉक रहता है क्या होता है, अगर प्रॉफिट होता है क्या जनरल एंट्री होती है, तो हम सारी इंफॉर्मेशन अपने एग्जामिनर को दे सकते हैं। तो ये जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम भी है वो भी हमारी न्यूमेरिकल की शेप ले लेती है और उसमें भी हमें 10 out of 10 मार्क्स इजीली हम फेच कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। तो इसको आप पूरा वॉच करें, स्टडी करें। तो यहाँ पे जो भी मैंने कहा है, अगर थ्योरी भी मिलती है तो हम डीमोरलाइज ना हो, उसकी जनरल एंट्रीज प्रेजेंट करें, उसके अकाउंट भी प्रेजेंट करें, क्या क्या पोस्टिंग होगी अकाउंट्स में, उसके बाद प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, अगर ज्वाइंट वेंचर है तो को वेंचरर का अकाउंट कैसे बनेगा, अगर हम सेपरेट सेट ले रहे हैं तो लास्ट में हमें ज्वाइंट बैंक भी बनाना है, उसकी दोनों साइड मैच करनी चाहिए। एवरीथिंग कैन बी प्रोवाइडेड बाई स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।